दिल्ली के ऑक्सीजन संकट पर जो बड़ी खबर है वो अब आपके सामने आ रही है। देखिए, दिल्ली में ऑक्सीजन कंट्रोल रूम बना दिया गया, जिसकी बात अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या कोई ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम हो सकता है जो हर जगह ऑक्सीजन बांटे। तो दिल्ली में ऑक्सीजन कंट्रोल रूम बना दिया गया है और अस्पतालों की शिकायत पर आधे घंटे में एक्शन लिया जाएगा, ये जानकारी आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, 24 घंटे एक्टिव रहेगा दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का ये कंट्रोल रूम, डीडीएमए अथॉरिटी का ये कंट्रोल रूम बनाया गया है और आधे घंटे में मदद की जाएगी उसकी जिसको जरूरत है इसकी। दिल्ली में ऑक्सीजन कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिस भी हॉस्पिटल को उसकी जरूरत होगी उसकी मदद की जाएगी। और आइए जल्दी से आपको इस बारे में और जानकारी देते हैं, ऑक्सीजन को लेकर जो इस वक्त देश में स्थिति है उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई पर केंद्र ने क्या पहल की है, राज्यों के बीच ऑक्सीजन गाड़ियों की मूवमेंट बिना रोक टोक होगी, ये अब केंद्र ने तय किया है। निर्माता और सप्लायर को सिर्फ उसी राज्य को ऑक्सीजन देने का दबाव नहीं बनाया जा सकता है जहां उत्पादन हो रहा है, बल्कि इस आप ये नहीं कह सकते कि यूपी में अगर ऑक्सीजन बन रही है तो यूपी को ही मिलेगी या हरियाणा में बन रही तो हरियाणा को ही मिलेगी। सभी शहरों और राज्यों में ऑक्सीजन गाड़ियों की बिना रोक टोक मूवमेंट को कहा गया है और इसकी जिम्मेदारी दी गई है स्थानीय प्रशासन को। कोई भी अथॉरिटी ऑक्सीजन ले जा रही गाड़ी को खास इलाके को ऑक्सीजन देने के लिए मजबूर नहीं करेगी, यह कहा गया है, क्योंकि ऐसी शिकायतें आ रही थी कि स्थानीय प्रशासन ऑक्सीजन की गाड़ियों को छोड़ नहीं रहा है या बढ़ने नहीं दे रहा है। 9 उद्योगों के अलावा सभी उद्योगों को औद्योगिक ऑक्सीजन की सप्लाई अगले आदेश तक बंद कर दी गई है। जिन भी उद्योगों में ऑक्सीजन लगता है इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, 9 सेक्टर इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी सबको सप्लाई बंद कर दी गई है। शिकायतों पर सुनवाई के लिए डीडीएमए का कंट्रोल रूम बनाया गया है जो 24 घंटे काम करेगा और अस्पतालों की शिकायत 30 मिनट में दूर की जाएगी, क्योंकि कई अस्पताल ऐसे अलार्म रेज करते हैं कि हमारे पास 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है। मोहित, क्योंकि आप सुबह से लगातार जानकारी दे रहे हैं कि किस किस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचाई गई है, अभी क्या स्टेटस है दिल्ली के इन अस्पतालों का और यह जो कंट्रोल रूम बनाया गया यह कैसे काम करेगा? बिल्कुल गौरव, सुबह से कई जो हॉस्पिटल्स है वो अलार्म रेस कर चुके थे कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, खासकर से मैक्स हॉस्पिटल जो साकेत में मौजूद है और गंगाराम हॉस्पिटल, इन दोनों हॉस्पिटल में ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि कुछ घंटों में यहाँ पे गैस खत्म हो जाएगी। सुबह एक टैंकर जरूर दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया जिसने 5 हॉस्पिटल्स जो हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे गैस पहुँचाई है, लेकिन छोटे छोटे हॉस्पिटल तक गैस नहीं पहुँच पा रही है और यही कारण है कि कल देर रात रोहिणी के एक अस्पताल में 2 मौतें भी सामने आई थी कि 2 मौतें ऑक्सीजन के कारण हुई है, जो दोनों कोविड मरीज थे। अब सिचुएशन देखिए कि मैक्स पड़पड़गंज हॉस्पिटल को 2 दिन पहले कोर्ट में जाना पड़ता है, रात में 8 बजे उनकी हियरिंग होती है, उसके बाद सरकार को फटकार लगती है, सरकार को वहां पे ऑक्सीजन देनी पड़ती है और उसके बाद मैक्स की दूसरी ब्रांच मैक्स साकेत आज रात 1:30 बजे से ही अलार्म कर रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन दीजिए, ऑक्सीजन दीजिए। अब यहां ऑक्सीजन पहुंची है, 2 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई है। यह हॉस्पिटल 2 पार्ट में डिवाइड है जिसमें 550 मरीज जो है कोविड के वो भर्ती है, उसके अलावा 700 मरीज हैं ओवरऑल देखा जाए तो दोनों पार्ट के अंदर यहां पे एक मैट्रिक टन गैस डाली गई है जिससे 2 घंटे का बैकअप है। और उसके बाद इनका कहना है कि हमने सरकार से लगातार और मदद मांग रहे हैं, 2 घंटे के बाद क्या स्थिति होगी हम नहीं कह सकते, हालांकि सरकार की तरफ से ये बोला गया है कि यहां पर एक टैंकर और भेजा जाएगा। अब जो कंट्रोल रूम जो सरकार बना रही है वो यही देख रही है कि क्या सबसे ज्यादा समस्या कहां पर है और हम कहां से जल्द यहां पर गैस पहुंचा सकते हैं, और सेंट्रल से लगातार कोऑर्डिनेशन वो कंट्रोल रूम करेगा और सेंट्रल से जो डिमांड की जाएगी उसको कैसे दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में भेजा जाए। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।